देश पांडे 29 ईयर ओल्ड वेडिंग प्लानर था। सर, इसकी बॉडी हमें वसई के पास तंसा नदी में मिली, इसके घर से 15 किलोमीटर दूर। शाम के 5:58 में इसने एक सेम SMS 3 लोगों को भेजा, अपनी माँ, कजिन और वाइफ को। माँ, मला माफ करा, मी चूक केली, तू बरोबर होती, आता सर्व काही संपला। सर, ऑटोप्सी पे एक इंटरेस्टिंग बात सामने आई है। रोहित की उम्र से तो नहीं लगता था कि वो हार्ट पेशेंट है, लेकिन उसकी टॉक्स रिपोर्ट में बीटा ब्लॉकर्स यानी कि ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन के ट्रेसेस मिले हैं। सर, द मीडिया इज ऑल ओवर दिस केस, क्योंकि सिर्फ 2 हफ्ते पहले रोहित ने एक बड़े बाप की बेटी को भगाकर शादी कर ली थी। नाउ द मीडिया थिंक्स इट्स अ मर्डर। और सर, ऑटोप्सी के बाद हमें भी यही लग रहा है, क्योंकि सर रोहित के लंग्स में कोई साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन नहीं है। इंसान जब डूबने से मरता है तो उसके फेफड़ों में पानी भर जाता है, और रोहित के फेफड़ों में तो पानी बहुत कम है, विच मीन्स पानी में गिरने के बाद इसने सांस लेने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि ये पानी में गिरने से पहले मर चुका था। सो यस, यू आर राइट, मर्डर ही है। पर इससे पहले कि मीडिया ये केस सॉल्व करे, हमें कर लेना चाहिए, वरना मीडिया केस का क्या हाल करती है तुम्हें पता ही है। और क्या, सतरंग पान मसाला के मालिक प्रदीप दालमिया ने रोहित को हायर किया था सर, अपनी बेटी मीनू की शादी की प्लानिंग के लिए, लेकिन सर उनकी ये सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई, क्योंकि शादी के सिर्फ एक दिन पहले रोहित मीनू के साथ भाग गया। वेडिंग प्लानर मीट्स रनअवे ब्राइड। आई एम सॉरी 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 सॉरी, कंटिन्यू। लेकिन सर, ऐसा कुछ तो हुआ होगा कि रोहित की मौत के 1 हफ्ते पहले मीनू अपने फादर के घर वापस आ गई थी। सर, वी हैव आइडेंटिफाइड 4 सस्पेक्ट्स। प्रदीप दालमिया, रोहित का ससुर, सुमित देशपांडे, रोहित का कजिन, अजय दालमिया, प्रदीप का छोटा भाई, और सर मीनू दालमिया, रोहित की बीवी। प्रदीप दालमिया की काफी हंसी उड़ी सर, लॉयर्स और पुलिस से थ्रेट्स भिजवाए, रोहित की फैमिली को धमकाया गया। उसकी मौत के दिन दोपहर को रोहित अपने कजिन सुमित के साथ डालमिया फार्म हाउस गया था सर, और वो वहां से सही सलामत वापस लौटा, ऐसा प्रदीप डालमिया का कहना है। रोहित देशपांडे फ्रॉड था, शादी नहीं थी, वो किडनैपिंग थी, ऑल ही वांटेड वाज मनी। 2 हफ्ते में उसने अपनी औकात दिखा दी, अपने चचेरे भाई को लेकर आया था मेरे फार्म हाउस पे। जितने पैसे चाहिए दूंगा तुम्हें, बस पीछा छोड़ दो मेरी बेटी का। सर, सच्चा प्यार किया है मैंने, और आई को भी मीनू बहुत पसंद है। अगर चाहते हो तुम्हारी आई के हाथ सही सलामत रहे, तो रकम बोलो और डाइवोर्स दे दो मेरी बेटी को। एक करोड़। पापा, आपने एक गिलास पानी भी नहीं पूछा। रोहित, आपके लिए मिल्क। अरे सुमित, आप, I'm so sorry, मुझे नहीं पता था कि आप भी आने वाले हैं। अरे वही नहीं हो, तकलीफ मत करो, डायबिटीज का पेशेंट हूँ वैसे भी। अरे थोड़ा सा ले ले, तेरी बहनी ने बड़े प्यार से बनाया है। अरे नहीं, मैं एक गिलास लेके आती हूँ ना। अरे नहीं नहीं, हम लेते हैं ना। मिल्क शेक पीकर निकल गए थे दोनों। एंड दैट वाज द लास्ट टाइम आई सॉ हिम। बस 1 करोड़ में मान गया था, तो फिर कोई वजह ही नहीं थी मैं उसे मारूं। बात 1 करोड़ की नहीं है माननी। डालमिया जैसे लोग करोड़ों का नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ईगो पर चोट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। सर, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, प्रदीप डालमिया इज अ हार्ट पेशेंट। इन्वेस्टिगेशन करने पे पता चला कि ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन सिर्फ यही लेते हैं, ऐसा सेम कंपोजिशन, सेम डोज जो हमें रोहित की बॉडी में मिली थी। हमारा अगला सस्पेक्ट सर, सुमित देशपांडे, रोहित का कजिन। डालमिया के फार्म हाउस से ये दोनों साथ में निकले थे अपने घर की ओर, लेकिन सर अगले दिन सुबह सुमित अपनी गाड़ी में सोया हुआ मिला, ठीक अपने घर के बाहर, लेकिन सर रोहित की बॉडी मिली थी घर से 15 किलोमीटर दूर।
सर, सुमित के फोन से एक कॉल भी गया था मीनू को। इसका कहना है कि रोहित ने ये कॉल किया था। इससे ज्यादा कुछ एडमिट नहीं किया इसने सर, बस ये कहता रहा कि मुझे कुछ याद नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। मैडम मुझे कुछ याद नहीं है, आई शपथ। मैंने रोहित को बोला कैसे बिक गया, रो दिया था वो। लालची हो गया है, 1 करोड़ चाहिए तुझे। समझ यार सुमित, क्या करता मैं? आई को मारने की धमकी दी थी यार। मैं मीनू से बहुत प्यार करता हूँ यार, और अगर मैं पैसे नहीं लेता ना तो वो समझ जाते कि मैं मीनू को नहीं छोड़ना चाहता हूँ। मैंने रोहित से कहा कि मीनू को कॉल करके सब कुछ सच सच बता दे। रोहित के फोन में नेटवर्क नहीं था तो उसने मेरे फोन से कॉल करके मीनू को सब कुछ सच बताया। हेलो मीनू। फिर अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। रोते रोते एकदम से उसके हाथ से फोन गिर गया। मैंने मीनू को बताया तो वो चिल्लाई कि टेक हिम टू द हॉस्पिटल राइट नाउ, उसी वक्त। फिर मुझे कुछ याद नहीं। हाँ, सिर्फ एक चीज याद है, एक बड़ी सी गाड़ी थी जिसका एक अलग सा लोगो था, HM। भाई था वो मेरा, मदद करने की कोशिश कर रहा था मैं, लेकिन हादसा कैसे हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। इसका बार बार ये कहना कि कुछ याद नहीं, कुछ याद नहीं, इट्स वेरी कन्वीनियंट एंड सस्पिशियस। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यही डालमिया के हाथों बिक गया और मार दिया भाई को अपने? सर, जिस HM लोगों की ये बात कर रहा है वो सुमित ने आइडेंटिफाई किया था सर, हिंदुस्तान मोटर। पूरे मुंबई में ऐसी सिर्फ 10 विंटेज कार्स हैं जो अभी भी फंक्शनल हैं, और इनमें से एक प्रदीप डालमिया के भाई अजय डालमिया के पास है। प्रदीप डालमिया वॉज एन एब्सेंटी फादर टू मीनू, इसीलिए वो अजय को ही अपने फादर की तरह मानती थी। सर, रोहित के कॉल के कुछ देर बाद ही अजय की इस विंटेज कार को उसके घर से निकलते हुए देखा गया था। अजय डालमिया से पूछताछ की सर हमने। भाभी की डेथ के बाद भैया ने बिजनेस को ही अपना प्यार बना लिया था। मैंने और मेरी वाइफ ने मीनू को संभाला अपनी बेटी की तरह। हमारी कोई औलाद नहीं थी ना। रोहित के जाने के कुछ देर बाद मीनू मेरे पास में आई और गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। या ऑफ कोर्स अंडू। अरे कहाँ अंकल? HM हिंदुस्तान मोटर्स की काउंटर सा विंटेज का। आर यू श्योर वो मेरी ही थी? मैडम HM की विंटेज कार शहर में और लोगों के पास में भी है। इसका मतलब ये तो नहीं कि उनमें से किसी ने रोहित को मारा। अजय की बेटी की तरह थी मीनू। उसकी शादी को 1 करोड़ में टूटता देख के बौखला गया होगा। फिर इसकी गाड़ी का सीन ऑफ क्राइम के आसपास दिखना भी सस्पिशियस है। क्यों और कैसे, इन दो सवालों के जवाब ढूंढ लो माननी, केस सॉल्व हो जाएगा। पीनट्स? नो सर, थैंक यू। मीनू डालमिया, रोहित की विधवा, शादी के 1 हफ्ते बाद ही अपने फादर के घर वापस आ गई थी। सर, हो सकता है इतनी लग्जूरियस लाइफस्टाइल लीड करने के बाद रोहित की सिंपल और मॉडेस्ट लाइफ इसको सूट ना की हो। रोहित के फ्यूनरल, उसकी 13वीं, किसी पे भी वापस नहीं गई थी ये सर। हाँ, कॉल किया था रोहित ने मुझे सुमित के फोन से, उसने मुझे सब बताया। तुम्हारे पापा ने मेरी आई को मारने की धमकी दी थी यार। क्या? सुमित ने कहा कि रोहित बेहोश हो गया था। मैंने उसे तुरंत कहा कि वो हॉस्पिटल उसे लेके जाए। मैं खुद जाना चाहती थी पर मुझे अंकल ने जाने ही नहीं दिया। फिर वापस अपने कमरे में चली गई। मैं बहुत रोई और रोते रोते कब सो गई पता ही नहीं चला। सर, ये कह तो रही है कि सो गई थी, लेकिन 6:12 पे इसने अपना व्हाट्सएप स्टेटस चेंज किया था, इन द एंड इट डजंट इवन मैटर। और उससे ठीक 14 मिनट पहले, यानी 5:58 पे रोहित के फोन से इसे भी मैसेज गया था ना कि वो सुसाइड करने जा रहा है, फिर भी इसे पता नहीं चला। कोई तो झूठ बोल रहा। बाप प्रदीप डालमिया, जिसकी इज्जत और साख को धक्का पहुंचा था, या फिर कजन सुमित,
कुछ याद नहीं आ रहा इज अ पुअर डिफेंस। या चाचा अजय डालमिया, शायद बेटी जैसी मीनू की शादी टूटने से बौखला गया था, या खुद मीनू जिसके प्यार को 1 करोड़ में बेच दिया था रोहित ने। कौन? इतना तो तय है कि रोहित की मौत डूबने से नहीं हुई, किसी ने मर्डर को कवर करने के लिए उसकी बॉडी को नदी में फेंका। सवाल यह है कि कैसे और किसने। उसकी बॉडी में बीटा ब्लॉकर्स का ओवरडोज था, हार्ट पेशेंट्स की दवाई की वजह से। यह दवाई ब्लड प्रेशर कम करती है, एड्रेनालिन को दबा देती है, बॉडी स्लो हो जाती है। लेकिन ओवरडोज हो जाए तो स्लो होते होते हार्ट बीट बिल्कुल ही बंद हो जाएगी, हार्ट फेलियर। और ये दवाई कौन लेता? सर प्रदीप डालमिया, देन ही इज अकेला। मेबी नॉट। द मिस्ट्री इज कि ये ड्रग रोहित और सुमित के सिस्टम में पहुंची तो पहुंची कैसे? सर सुमित की बॉडी में भी, इसीलिए तो वो हमारा किलर नहीं है। ओह सॉरी, पीनट्स, वेरी गुड फैट फॉर द ब्रेन, खाओ। थैंक यू सर। ब्रेन में अगर एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन का इम्बैलेंस हो जाए तो मेमोरी लॉस हो सकता है, और ये इम्बैलेंस ब्लड प्रेशर की दवाई की वजह से हो सकता है, इसीलिए सुमित को मेमोरी लॉस हुआ। लेकिन अगर डोज ज़्यादा होती तो हार्ट अटैक हो सकता था, जो नहीं हुआ, विच मीन्स डोज कम थी। सुमित डायबिटिक है ना? वही नहीं, तकलीफ मत करो, डायबिटीज़ का पेशेंट हूँ वैसे भी, इसीलिए उसने मिल्क शेक थोड़ा सा पिया। मिल्क शेक? सो मीनू ने दोनों को मिल्क शेक दिया था? मीनू सिर्फ रोहित के लिए लाई थी, इनफैक्ट वो जिद कर रही थी कि सुमित के लिए वो दूसरा ग्लास बना के लाएगी, ये तो रोहित ही पिएगा। बट भाई भाई के प्यार में रोहित ने बेचारे सुमित को भी पिला दिया ताकि भाभी के प्यार का मान रह जाए। सो देन मीनू इज अकेला। सारे सबूतों और गवाहों के बयानात के मद्देनजर एक ही एक्सप्लेनेशन है मालिनी जी, कि रोहित और मीनू के पिता के बीच जब 1 करोड़ की डील हुई तो वो डील उसने सुन ली। 1 करोड़? दिल टूट गया बेचारी का। 1 करोड़ में उसका प्यार और विश्वास दोनों ही एक झटके में बेच दिए रोहित ने। मीनू सोच रही थी कि रोहित ने पैसों के लिए उसके प्यार को बेचा है, लेकिन जब रोहित ने फोन करके उसे सच्चाई बताई उसके होश उड़ गए होंगे। क्या? सुमित प्लीज, सुमित वेट मत करो, प्लीज लेके जाओ। हाँ मिट, मैं लेके जाता हूँ। कहाँ हो तुम? तनसा नदी के ब्रिज पे खड़े हैं यार। समझ नहीं आया होगा क्या करूँ, दौड़ी दौड़ी अपने चाचा के पास गई। अरे याद है अजय ने क्या कहा? उससे रिपट कर बहुत रोई थी वो, पछतावे के आंसू थे। सोच रही होगी ये क्या कर दिया मैंने, अजय से कहा होगा कुछ भी करो मेरे रोहित को बचा लो। अजय ने उसे घर पर रुकने के लिए कहा होगा और वो अकेला निकल पड़ा सिचुएशन संभालने। बट जब तक वहां पहुंचा बहुत देर हो चुकी थी, रोहित वॉज ऑलरेडी डेड। अजय समझ गया कि अगर रोहित की लाश उस कंडीशन में मिली तो शक सीधे मीनू पर जाएगा, तो उसने मर्डर को सुसाइड में तब्दील करने की कोशिश की, क्योंकि वह अपनी बेटी जैसी मीनू के लिए कुछ भी कर सकता था। यह सुसाइड कन्विंसिंग लगे, इसलिए रोहित के फोन से 3 लोगों को वो मैसेज अजय नहीं भेजा था। मर्डर किया बीवी ने, लाश ठिकाने लगाई बीवी के पिता समान चाचा ने। और एक चूक हो गई, क्या मैसेज था? मां मला माफ करा। क्या मिस्टेक है?
रोहित अपनी माँ को माँ नहीं आई कहता था। सच्चा प्यार किया है मैंने, और आई को भी मीनू बहुत पसंद है।